Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys, Faye Sanvi, and you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो, जैसे कि सब लोगों को पता है कि काफी ज्यादा जो इस चीज के ऊपर बहस वगैरह हो रही है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आके खेलेगी नहीं खेलेगी. इंडिया ने तो ये चीज डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग जो है वो नहीं आएंगे पाकिस्तान और नहीं खेलेंगे जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके. वहीं पर जो है वो पाकिस्तानियों को इस चीज का बहुत दुख जिसे कहते हैं ना वो लगा और इस चीज का उनको गुस्सा आया कि ये क्या, इसमें तो हमारी बेइज्जती है कि इंडिया जो है वो यहाँ आकर नहीं खेल रहा, हमें ना हो गई है. तो इसके चलते जो है उन्होंने क्या किया कि इंडिया को जो है वो पाकिस्तान ने धमकियां देना स्टार्ट कर दी. और इनको ये नहीं पता कि पहले इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया पे, इंडिया के अंदर जो है हमारी इमेज क्या बन चुकी है. ठीक है, पहले सारे लोग जो है वो दहशतगर्द टेररिस्ट वगैरह ऐसे बोलते हैं तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम खराब होता है. तो अभी मेजर गौरव आर्या जो है वो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कौन धमकियां दे रहा है, क्या बातें चल रही हैं. तो फटाफट से गाइस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, आप लोगों ने वहां जरूर जाना है. मेरे सेकंड चैनल को जो है वो सपोर्ट कीजिएगा, 1K सब्सक्राइबर जल्दी से यार वहां भी कंप्लीट कर दो. अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ वो चैनल को जो है वो शेयर करें. इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और आप भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा. अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान जो है वो क्यों धमकियां दे रहा है इंडिया को. हालांकि ये इस स्टेट में नहीं है धमकियां देने के, हालांकि वो ज्यादा पावरफुल है. तो फटाफट से वीडियो को देखते हैं. जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट. अच्छा, जब से भारत ने मना कर दिया है ना कि पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, इतनी मिर्ची लगी है दोस्तों, इतनी मिर्ची लगी है कि क्या बताएं. ये सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे जाके पाकिस्तानी जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं इनके, ये उल्टियां कर रहे हैं. इनको ऐसे, जिसको कहते हैं ना कि जब उल्टी आप खत्म कर देते हैं फिर पेट से कड़वा पानी निकलता है, आपने देखा होगा बीमारी में बड़ा होता है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को कड़वा पानी पेट से इनके निकल रहा है. ये बहुत ज़्यादा परेशान है. अब इनका ये कहना है कि साहब किसी प्रकार से भारत को लेकर आओ वरना धमकियां दो कि कैसे नहीं आओगे तुम, तुम्हें आना पड़ेगा. सलमान भट्ट, पूर्व कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो भारत का दोगलापन है, ये बहुत गलत चीज है. भारत या तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सेप्ट करे या पूरी तरीके से रिजेक्ट करे. भारत जो है कबड्डी की टीम भेज देता है, भारत टेनिस की टीम भेज देता है, लेकिन भारत जो है वो क्रिकेट की टीम नहीं भेजता है. या भारत या तो सबको नॉर्मल मानेगा, यहां सभी को भेजेंगे, या फिर किसी को ना भेजे. जो ये फॉर्मूला है जो सलमान भट्ट जिसकी बात कर रहा है, राइट? मुझे ऐसा लगता है यहां पे देखिए, मैं थोड़ा बहुत तो अग्री करता हूं क्योंकि ये बात मैं भी कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं होना चाहिए. ये जो हम भेजते हैं टेनिस की टीम, इसकी टीम, ऐसा बंद करो, है ना. लेकिन जो सलमान भट्ट ने एग्जैक्टली बात करी है दोस्तों, ये उनका स्टेटमेंट है कि यू कांट पिक एंड चूज विच दे हैव बीन डूइंग. यानी कि भारत जो है इसको चुनता है कि क्रिकेट नहीं भेजना है, टेनिस भेज दो, क्रिकेट नहीं भेजना है, आप कबड्डी भेज दो. ये पिक एंड चूज, पिक एंड चूज तो आप भी करते हो भाई, आपकी पूरी कॉम पिक एंड चूज कर रही है. हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया ट्रेड में, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उस समय आप 26-11 कर रहे थे. तो यार देखो सुनो, हमें ज्ञान मत दो, सबसे बड़ी बात है हमें ज्ञान मत दो, क्योंकि अगर हम बोलने पर आए, ठीक है, फिर तुम्हारे धागे खुलेंगे, धीरे धीरे तुम्हारे सारे धागे खुलेंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा. तो ये जो पिक एंड चूज की बात करते हैं, भारत को देखे, भारत ये करता है वो करता, हम तो खुद ही कह रहे हैं भारत को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान के साथ. यहां से फोन मिलाओ तो पाकिस्तान में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ब्लॉक कर दे, आपका कोई संबंध ही नहीं हो किसी भी प्रकार का. मैं सिर्फ बात टेनिस की या कबड्डी की या क्रिकेट की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मैं आपको बता रहा हूँ आज की तारीख में. मैंने पहले भी बोला था यार, हम तो सोच रहे थे कि तलुकात बेहतर हो, उधर जाएं, व्लॉग वगैरह बनाएं, लेकिन ये क्या आईपीएल, अगर आप दरवाजे खोल दो, भगवान ना करे कभी वो दिन आए, आईपीएल के दरवाजे खोल दो, इनका पीएसएल एक हफ्ते के अंदर अंडरग्राउंड हो जाएगा, पूरा पीएसएल बर्बाद. अरे नान छोलों के लिए तो पीएसएल खेलते हैं ये, पैसा इनके पास है नहीं. बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनके, रिटायर्ड क्रिकेटर, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे. मैं पाकिस्तान से ये कहना चाह रहा हूं कि यार जब हमारा 2026 में होगा ना मैटर, मत आना आप यार, वी डोंट नीड यू, प्लीज स्टे अवे. हमारे देश में गंद फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये कूड़ा करकट अपना लाहौर और गुजरावाला और सियालकोट और
इस्लामाबाद और कराची, वहीं पे कूड़ा करकट रखो। पर यार तुम्हारा जो इतिहास रहा है, तुम्हारी जो तारीख रही है, वो ऐसी रही है दोगलेपन की। खूब चिल्लाते हो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अब मार देंगे, 24 घंटे ऐसी बातें करते हो। फिर एंड में एक हल्की सी बोटी कोई फेंकता है और दुम हिला के पूरी 15 लोगों की टीम और स्टाफ पूरा का पूरा आ जाता है दुम हिलाते हुए, क्योंकि इनको बंबई देखना है, इनको दिल्ली देखना है। क्यों ऐसा करते हो? तुम तो जज्बे वाली कौम हो। तुमने तो क्या सीखा? तुमने जज्बे वाली कौम अगर तुम बन गए तो उसके बाद क्या सीखा तुमने? दिखाओ जज्बा अपना, मत आओ इंडिया। मैं तो चाहता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, बाय गॉड वी डोंट वांट पाकिस्तानी, नो पाकिस्तानी शुड बी अलाउड टू कम टू इंडिया, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो नहीं खेलता। आप आओ मत ना यार, आप आओ मत, प्लीज डोंट कम, हम नहीं चाहते आप आओ यहां पे। आप क्यों आने दो, फालतू में ऐसा कर रहे हो कि अगर तुम, अरे अगर मगर नहीं है, टेक अ स्टैंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हेडेड बाय शहबाज शरीफ, दे शुड रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट कि आज के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट संबंध हम तोड़ते हैं, हम हर एक किस्म का संबंध तोड़ते हैं। हमारा मुल्क तो नहीं बना था कलमा पढ़ के, आपका बना है ना। हम में तो दुनिया भर में जज्बा नहीं है, जज्बा पाकिस्तानी कौम में है, पर यह जज्बा रोटी के पहले रुक जाता है, रोटी के नान छोले से पहले इनका जज्बा रुक जाता है, बाकी हर जगह इनका जज्बा है। मैं जब बोलता हूं तो बहुत इनको बुरा लगता है कि मेजर साहब आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं। अगर झूठ बोलता हूं तो बताना, अगर मैंने झूठ बोला है तो जरूर बताना कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है। पाकिस्तान टू बॉयकॉट इंडिया लेग ऑफ 2026 T20 वर्ल्ड कप इफ मेन इन ब्लू स्किप। इनका देखो कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, पाकिस्तानियों का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, ये इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ ये बोलना है कि तुम्हें गुड़ चना मिल जाएगा, गुड़ चने के चक्कर में आ जाएंगे ये लोग भिखारी कहीं के। मत आओ ना यार, मैं तो चाह रहा हूं मत आओ, करो बॉयकॉट, बिल्कुल मत आओ, डोंट कम, वी डोंट नीड यू, एवरीबडी हेट्स यू। मैं सिर्फ मेजर गौरव आर्य की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, तुम्हें गलत फहमी है कि बाबर को पसंद करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्रिकेट चलती है, लोग देखते हैं, क्रिकेटिंग जो स्पोर्ट है उसको एडमायर करते हैं लोग, बड़ी मोहब्बतों में ऐसा वैसा। तुम लोगों की करतूतें ऐसी हैं, यू नीड टू बी पनिश्ड एंड द पाकिस्तानी कॉम नीड्स टू बी कलेक्टिवली पनिश्ड। तुम 25 करोड़ के 25 करोड़ को एक साथ फेंटियां पड़नी चाहिए, तब जाके तुम्हें पता लगेगा। अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट ऑफ व्यू अफगानिस्तान से भी आया है, और वजमा आयूबी जी हैं, ये एक अफगान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफी इनकी फॉलोइंग है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, और उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी टीम नहीं जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि पश्तो लैंग्वेज का मशहूर कवि, उसका नाम था गिलमान वजीर, इसकी हत्या कर दी, इसका मर्डर कर दिया था ब्रॉड डेलाइट में, इस्लामाबाद में उसका कत्ल कर दिया। तो इन्होंने ट्वीट लिखा है वजमा जी का, जो वजमा जी का ट्वीट है, मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब आप जरा स्क्रीन पर डालें। पाकिस्तान इज एन अनसेफ कंट्री एंड इट इज आउटरेजस टू इवन कंसिडर प्लेइंग चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान बहुत एक अनसेफ देश है, वहां पे असुरक्षित देश है, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली जा सकती है। हमारे जो हीरो हैं, यानी कि जो पाक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गिलामन वजीर के साथ क्या हुआ है इस्लामाबाद में आप जानते हैं, जो कि उस मुल्क का कैपिटल है, राइट। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को ये इंसिस्ट करना चाहिए, जो आईसीसी है गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, उसको इंसिस्ट करना चाहिए कि अफगानिस्तान के जितने मैच हैं या तो यूएई या श्रीलंका को वो रीरूट करें और वहां पे रिलोकेट करवा दें, क्योंकि अफगानिस्तान भी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान नहीं जाना। इनफैक्ट कुछ समय पहले तालिबान ने एक एडवाइजरी दी थी अफगान सिटीजन्स को कि डोंट गो टू पाकिस्तान, इट इज वेरी डेंजरस। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये मैं फिर से बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, हो क्यों रहा है, भारत एक बड़े कंफ्यूज है पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान की तरक्की हो। मैं पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं यार, जो ये कहता है ना कि भारत नहीं चाहता, भारत के चाहने ना चाहने से क्या होता है? तुम खुद नहीं चाहते पाकिस्तान की तरक्की हो? तुम खुद चाहते हो? जो पाकिस्तानी की जेब में 10 रुपए आ गए वो बाहर जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। तुम्हारी मोहब्बत पाकिस्तान से सिर्फ क्रिकेट तक ही महदूद है, उसके अलावा यू गाइज डोंट लव योर कंट्री, ठीक है। तो हमें लेक्चर मत दो कि भारत ये नहीं चाहता, अमेरिका वो नहीं चाहता, इसराइल नहीं चाहता, भारत बहुत बड़ा मार्केट है। ये जो तुम एक ही मात्रा लगा देते हो ना हर जगह, तुम अपने आगे भी एक ही मात्रा लगा दो,
और यहां से निकल लो, ठीक है? एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए, तुम्हें बेटा जो करना है उखाड़ लो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, नहीं जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर मत आना, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी, मत आना यहां पे इंडिया कोई भी मैच हो। जज्बे वाली कौम हो, कलमा पढ़ के बने हो, कलमे पे बने रहना, जज्बे पे बने रहना, भारत मत आना, जलील बेइज्जत ख्वार कर दिया जाओगे यहां पे, ठीक है? गेट आउट, आउट। ओह माय गॉड यार, मुझे ना एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि 25 करोड़ आवाम जो है ना वो गलत कैसे हो सकती है। 25 करोड़ आवाम जो है ना, मतलब आप पहले, मतलब एक दो इनके वीडियोस देखे, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ लोग ख़राब हैं, हुकूमत ख़राब है, अभी 25 करोड़ आवाम ही इन्होंने ख़राब कर दी, ये चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर अच्छे भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर ठीक भी हैं, और सबको ये चीज़ पता है कि हर बंदा ख़राब यहाँ पर नहीं है। हाँ, कुछ हैं मतलब लोग, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तादाद में थोड़े बहुत तो लोग अच्छे होंगे ना, तो आप उनको उन सब में जो है वो नहीं शामिल कर सकते। क्रिकेट के इश्यूज को लेकर सारी मतलब आवाम को तो गलत कह दिया इन लोगों ने, तो वो चीज़ तो मुझे बुरी लगी। ठीक है, सिक्योरिटी इशू है, आप पाकि इंडियन, मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, इंडिया की टीम अगर नहीं आना चाह रही तो ठीक है, ओके, उनको हर बंदे को अपनी जान प्यारी है, अगर वो नहीं आना चाह रहे तो उनका एक अपना एक रीज़न है, एक इशू है, वो नहीं आना चाह रहे, लेकिन 25 करोड़ आवाम तो गलत नहीं है ना, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये क्रिकेट के इश्यूज़ जो है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और फिर धमकियां और ये बॉर्डर्स तक के इश्यूज़ जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो गाइस, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।